इंसान मोहब्बत के लायक नहीं है सना। उसने एक बार नहीं कई बार ढसा है हमारे घर को। नहीं, वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अब बताओ ये सारा काम किसने किया? आप ही ने किया है सारा काम। उसने किया ही क्या है, सब कुछ तो फायजा ने किया है। किस बात पे थक गई वो? रहने दो, बस बैठ जाओ, खुद खाना खाओ। जिसे खाना होगा वो यहाँ से आके ले जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। फोन क्यों नहीं उठा रही? सना को फोन करता हूं। हेलो सना, तुम घर पर हो? हाँ, क्यों? वो मनाहल फोन नहीं उठा रही है, जरा जाके देखो उसे। अच्छा ठीक है। मनाहिल, 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 मनाहिल उठो। हाँ बोलो सना। हाँ भाई, ये मनाहिल। क्या हुआ मनाहिल? वो ठीक तो है ना? अरहम, अरहम कहाँ है? तेरे होश आ गया। भाई घबराने वाली बात नहीं, शायद बेहोश हो गई थी। सना मेरी बात कराओ उसे। हाँ कराती हूँ, स्पीकर ऑन कर रही हूँ, सुन रही है आपको। हाँ मैं ठीक हूँ। मनाहिल तुम अपना ख्याल रखो, मैं कुछ ही देर में घर आ रहा हूँ। जी ठीक है, खुदा हाफिज़। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। ठीक कह रही हैं आप अमानी। मुमानी जान, वो मनाहिल बेहोश हो गई है। अरे रहने दो, उसे तो काम ना करने के बहाने चाहिए। उसे मैं मुंह नहीं लगाती ना ज्यादा, तवज्जो नहीं देती, तो वो इस तरह के ड्रामे करती है। सब जानती हूँ मैं, बेकार में। इसको उसके साथ रख देना अलमारी में। और दुपट्टा कहाँ इसके साथ का? आई थिंक वो भी अलमारी में ही होगा। इस्त्री करके रखना बेटा, ये तरीका नहीं है। लाओ मैं तुम्हें सिखाऊं। तुम्हें तय करना भी नहीं आता है? ये लो जूस पी लो। नहीं सना, मुझसे बिल्कुल नहीं पिया जाएगा। मुझे ये वो नहीं सुनना, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, चलो पी लो। नहीं सना प्लीज, मुझे सच में ना। पियो। क्या हुआ, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। देख लें आराम भाई, मेरी तो एक नहीं सुनती, आप ही कोशिश कर लें। सुबह से कुछ नहीं खाया फिर भी नखरे खत्म नहीं होते। अब तो मुस्कुरा दो, आराम भाई आ गए। थैंक्स। आप मुझे डांट लिया करें, बेशक कुछ कह दिया करें, पर मुझसे रूठा मत करें, मुझसे खफा मत हुआ करें। मुझसे बात करना मत छोड़ा करें अरहम। आपके साथ के बगैर ऐसा महसूस होता जैसे जैसे मैं जानी नहीं, जिंदा लाश सी हो जाती हूँ। ऐसा नहीं बोलते मना, बहुत ज्यादा मुझ में तुम जैसी हिम्मत नहीं है।
जो देखता हूं उसी पे यकीन कर लेता हूं। अब मैं आपको यकीन दिलाने के लिए और क्या करूं, बस एक बार कह कर देंगे, अपनी जिंदगी तक नाम पे लगाने के लिए तैयार हूं, बस आपको यकीन आ जाए। मैं हमारे होने वाले बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मैं नहीं जानती कि वो ज़ेवरात अलमारी में कैसे है। राबिया, एक बात पूछूं? पूछो। तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहती हो? तुम मुझ पर शक कर रहे हो या मेरी मोहब्बत पर? ना तुम पर और ना तुम्हारी मोहब्बत पर, ये सिर्फ एक सवाल है। जवाब सुनकर बर्दाश्त कर लोगे, रह लोगे मेरे साथ, निभा लोगे ये रिश्ता? राबिया तुम ऐसी बातें क्यों कर रही? मैं बस फील कर रहा था इसलिए पूछा। There's nothing wrong in it. And mera yakeen karo, mera wo matlab nahi. I was just messing around. Mazaak kar rahi thi main. Ahsan, main jaanti hoon tum kya feel karte ho. Aur shayad main bhi wahi feel karti hoon. Lekin hamari priorities abhi kuch aur hain. Tumhe yaad hai humne is tarah shaadi ka to bilkul nahi socha tha. Pehle education khatam honi thi, wagaira wagaira. यूं अचानक से तो हमने शादी प्लान भी नहीं की थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम दोनों साथ हैं, क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है? मैं यही सोचती हूँ कि पहले हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, तुम बिजनेस संभालने लगो। इस सब के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। आई डोंट वॉन्ट एनी डिस्ट्रैक्शंस। और अभी तो हमें ऑफिशियली हनीमून पे भी जाना है। या, यू राइट। देखो, ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो। ये हमें करीब नहीं लाएंगी और दूर कर देंगी। अम्मी, मनाल के पास गई थी आप? नहीं, मुझे क्या जरूरत आन पड़ी कि मैं उसके पास जाऊं? अम्मी, आपको पता नहीं है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, दोपहर में भी बेहोश हो गई थी वो। सब नाटक है उसके, उसकी कोई तबीयत खराब नहीं है। अम्मी, आप ऐसा क्यों सोच रही है मनाल के लिए? आप उसकी हालत से वाकिफ है ना? बेटा तुम भोली हो भी, तुम्हें उसकी समझ नहीं आ रही सही से। जी अम्मी, सही कह रही हैं आप। पहले मैं कुछ भी नहीं समझ रही थी, मगर अब सब समझ चुकी हूँ। समझने की कोशिश करो सना, वो बहुत चालाक है, अपनी मासूमियत का ढोंग करके वो सबको अपनी तरफ कर लेती है। अम्मी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये आप बोल रही हैं। मेरी नहीं, आपकी समझ में नहीं आ रहा। आप ही हमें बचपन से सिखाती आई हैं नजर का धोखा। अब आपको क्या हो गया है? आप खुद ही अपनी सिखाई हुई बातें भूल गई? अम्मी, आप वो ही देख रही हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। ये जो आपकी दोनों बहू हैं, सारा दिन आपके आस पास मंडलाती रहती है ना, इसके पीछे भी साजिश है। हर साजिश के पीछे इन दोनों का हाथ होता है और बुरी बनती है मनाहिल। अम्मी, आपको नजर क्यों नहीं आ रहा? या फिर आप जानबूझ के अनदेखा कर रही हैं? क्या आपको सही गलत की पहचान नहीं है? क्या आप लोगों की पहचान करना भूल गई हैं? सना, ये मत भूलो मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। यही तो अम्मी, इसी बात पे तो मुझे ज्यादा हैरत हो रही है। अफसोस इस बात पे नहीं कि फायजा भाभी और राबिया अपनी चालों में कामयाब हो रही है, बल्कि अफसोस इस बात का है कि आप सही और गलत की पहचान भूल गई है। गुड मॉर्निंग अरहाम। गुड मॉर्निंग राबिया। मैंने पता लगा लिया है,
क्या? कि फायजा भाभी के जेवरात मेरे कमरे में किसने रखे थे? ऐसा कैसे हो सकता है? कौन है वो? किसने की इतनी गिरी हुई हरकत? बताऊंगा जरूर बताऊंगा, लेकिन वो क्या है ना कि ऐसी हरकतें हमारे घर में सिर्फ फंक्शन में होती हैं। तो ठीक है, फंक्शन का ही वेट कर लेते हैं, सबके सामने उसका नाम बताऊंगा, ताकि दूसरों को भी तो पता चले कि हमारे घर में किस किस तरह का टैलेंट मौजूद है। Just wait and watch. Good morning, Arsam. Good morning. ये अरहम भाई क्या कह रहे थे? वो तुम्हारा ही पूछ रहे थे और तुम नीचे मिल गए। अच्छा, ओके, चलो लेट्स गो। अब आपके पांव का दर्द कैसा है? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। मैं मम्मी आपके अस्सलाम वालेकुम। मम्मी वालेकुम सलाम, कैसी हो मेरी जान? ठीक हो? आ बैठो। अस्सलाम वालेकुम। बेटा घर में तो सब खैरियत है ना? जी अम्मी सब ठीक है। अबू क्यों नहीं आए? तो फिर ऑफिस कौन जाता? आप लोग शाम को आ जाते ना। अच्छा ठीक है, अगली दफा तुम्हारे अबू भी हमारे साथ आएंगे। जो नहीं है उनकी परवाह, जो सामने बैठे उनकी कोई फिक्र नहीं है आप ही को। अरे अम्मी यहाँ तो ईशल भी आई हुई है। और ईशल जा भी रही है। अच्छा ठीक है जाए। अम्मी देखे ना आप ही को, इन्हें तो बिल्कुल मेरी परवाह नहीं है। अरे बेटा मजाक कर रही है। और इसे तो जैसे पता ही नहीं है ना। अच्छा चलो ये छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी स्टडीज कैसी जा रही है? ठीक जा रही है आप ही, लेकिन टॉर्चर वाली। टॉर्चर क्यों? अरे ये स्टैट्स जो आ गया है नसीब में। ओह तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट। अल्लाह ना करे आप ही ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो, मैं तो कभी अपने दुश्मन के लिए भी स्टैट्स की दुआ ना करूं। टेंशन नहीं लो, तुम पास हो जाओगी। बात पास होने की नहीं है आप ही, मकसद की है। लाइक स्टैट्स पढ़कर पता नहीं क्या भला होगा हमारा। पता नहीं क्यों हम पर इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, हम छोटे छोटे मासूम फूल जैसे बच्चों पर। हाँ ये तो वाकई जुल्म है। और क्या आप ही, मेरा तो दिल करता है स्टार्स वालों को ना मार्स पे भेज दो, बल्कि उन्हें तो डायरेक्ट सूरज पर ही भेज देना चाहिए, फिर वहां करते ना अपना स्टार्स। खैर छोड़िए, आप बताइए कैसी तबीयत है आपकी? हाँ सब ठीक है। हाँ बोलो। अच्छा मेरी बात गौर से सुनो, मुझे सुबह अरहम मिला था, कह रहा था उसको पता चल गया है कि ज्वेलरी किसने रखी है। ये कैसे हो गया, उसे कैसे पता चला ये सब कुछ? उसको कुछ नहीं पता, और जहाँ तक मेरा ख्याल है उसके पास कोई सबूत भी नहीं है। मुझे तो लगता है वो ऐसे ही बस अंधेरे में तीर मार रहा है। फिर भी राबिया अरहम इसीलिए ऐसा कर रहा है ताकि हम लोग डर के मारे कोई गलती कर बैठे और उसको सबूत मिल जाए। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए कॉल की थी ताकि तुम थोड़ा केयरफुल रहो। ऐसा कोई काम नहीं करना जिसकी वजह से उसको शक हो जाए। ओके बाय। जी अरहम। कैसी हो मनाली? पहले से बेहतर। सच? या फिर मुझे छापा मारना पड़ेगा? दरवाजा खुला है, आप जब चाहे आ सकते हैं। और वैसे भी अरहम जब तक आप मेरे साथ हैं
मुझे कुछ नहीं हो सकता। बड़ी फलसफियाना बातें करने लगी हो। दिल से निकले हैं, फिर चाहे जैसी भी हो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमारी मोहब्बत कम होने वाली है? अल्लाह ना करे राम, ऐसा मत बोले। अच्छा बाबा, अच्छा सॉरी, मजाक कर रहा था। अच्छा एक बात तो बता मनाए, तुम हमारे बेबी के आने के बाद भी ऐसे रहोगी ना? जी, हमेशा ऐसे ही रहूंगी। आपको पता है जमी आई थी? अच्छा, तो इसलिए खुश हो तुम? हम तो इस कुछ फैमिली में थे कि ये रौनक जो है हमारी बदौलत। ये सब आपकी वजह से है हम, अगर आप नहीं है तो कुछ नहीं। हाय भाभी। हाय। फायजा, इससे पहले कि अरहाम ज्वेलरी के बारे में पता लगाने की कोशिश करे, हमें कुछ नया करना चाहिए। अभी कुछ मत करो राबिया, कुछ वक्त रहने दो। तुम तो जानती हो कि अरहाम कितना जिद्दी है, इस बार जिद पर आ गया तो हम लोग तो गए काम से। इसीलिए तो कह रही हूँ, उसे उलझाना जरूरी है। जिद पकड़ ली तो जान लेकर ही छोड़ेगा। अभी कुछ वक्त के लिए रहने दो ना, तुमने तो कहा था कि हमें कुछ अरसा मोहतात रहना चाहिए। हाँ, मोहतात रहने का कहा था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कुछ नया नहीं कर सकते। मतलब ये क्या कर रही हो? सब्जी काट रही हूँ। अच्छा, मुझे भी काटनी है। नहीं सना, रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगी। मुझे करना है ना काम, मुझे भी तो सीखना है। तुम खड़ी रहो, मैं करती हूँ। ठीक है? तुमने पहले कभी प्याज काटी है? नहीं, तुम सिखा दो। ऐसे नहीं, देखो पहले छुरी तो सीधी पकड़ो। चलो इस पे ट्राई करो, पहले ऐसे बारीक बारीक से काटती हूँ। ठीक है, यहाँ रखिए। ठीक है, सही है? ये वाले भी तो करूं। हाँ ठीक है। जल्दी करो, मैं बाहर ही हूँ। सुनो, अरे मैं बाहर खड़ी हूँ, जल्दी करो। अम्मी, आप वो ही देख रही हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। ये जो आपकी दोनों बहुएं हैं, सारा दिन आपके आसपास मंडलाती रहती है ना, इसके पीछे भी साजिश है। हर साजिश के पीछे इन दोनों का हाथ होता है और बुरी बनती है मनाहिल। क्या आपको सही गलत की पहचान नहीं है? क्या आप लोगों की पहचान करना भूल गई हैं? अफसोस इस बात पर नहीं कि फायजा भाभी और राबिया अपनी चाल में कामयाब हो रही हैं, बल्कि अफसोस इस बात का है कि आप सही और गलत की पहचान भूल गई हैं। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सख्ती कर बैठी हूँ मनाइल पर, मुझे उससे बात करनी चाहिए।
यहाँ खड़े क्या कर रही हो? वैसे राबिया ने तुम्हें बता तो दिया होगा ना कि हमारी सुबह क्या बात हुई? नहीं, ऐसा तो उसने कुछ नहीं बताया। अच्छा, that's bad. चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूँ। राबिया क्या जबरदस्ती है, मैं खामोश नहीं रह सकता हूँ क्या? शादी के अलावा मेरी भी एक लाइफ है, एक बेटे की, एक भाई की, एक दोस्त की, सब निभाना पड़ता, हजार चीजें सोचनी पड़ती हैं। ये बताओ काम हुआ या नहीं? अब मैं गई थी तो काम तो होना ही था। अरहाम, तुमने तो अभी खेल में सिर्फ कदम रखा है, मेरी अगली स्कीम से बच के दिखाओ। जब सूखी लगे